नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एच पाइलोरी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट क्या होती है और उसमें क्या डाइट फॉलो करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन इंसानों में पेप्टिक अल्सर का सबसे कॉमन कारण है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो पेट के इनर लाइनिंग को अफेक्ट करता है। जब ये बैक्टीरिया पेट के इनर लाइनिंग को अफेक्ट करे तब ये पेट के इनर लाइनिंग को डैमेज कर देता है। डैमेज की वजह से हमारे पेट का इनर लाइनिंग पेट के वॉल्स को एसिड पेट के अंदर मौजूद एसिड से नहीं बचा पाता। जब ये एसिड पेट के वॉल्स के कांटेक्ट में आ जाए तब धीरे धीरे करके ये अल्सर्स फॉर्म करने लगते हैं। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की टेस्ट अवेलेबल होती है, जैसे कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट और एंडोस्कोपी। अगर आपको एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा एच पाइलोरी टेस्ट का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आप में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया हो तो उसकी ट्रीटमेंट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। एच पाइलोरी की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स के द्वारा एच पाइलोरी के बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की जाती है, फिर एंटासिड्स के द्वारा पैदा होने वाला एसिड फॉर्मेशन कंट्रोल किया जाता है। एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए ट्रीट करने के लिए ज्यादा करके एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल नाम के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। यूजुअली एक टाइम पे दो एंटीबायोटिक्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। पेट में कुछ पंप्स के द्वारा एसिड का सिक्रीशन होता है। ये एंटासिड्स इन पंप्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से एसिड सिक्रीशन पेट में नहीं हो पाता और एसिडिटी कंट्रोल में आ जाती है। कॉमनली एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के दौरान पेंटोप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रैबेप्रेजोल, एस ओमेप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल ऐसे टाइप के एंटासिड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इनके साथ ही साथ एंटी हिस्टामाइन्स यानी कि हिस्टामिन्स का सिक्रीशन कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंटी हिस्टामाइन्स को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है कि आपको एक दिन में 14 से ज्यादा गोलियां लेनी पड़े, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप ये कोर्स सही से पूरा करें। अगर एंटीबायोटिक्स स्किप की जाए या फिर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स से कम डोज अगर शरीर में चला जाए तो बैक्टीरिया इन दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस की वजह से ये बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स की वजह से नहीं चला जा पाता, ये शरीर में वैसे के वैसे ही रह जाता है। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन कंटैमिनेटेड फूड्स की वजह से होता है, इसीलिए अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन प्रिवेंट करना हो, अवॉइड करना हो तो कंटैमिनेटेड फूड ना खाए। खाना केवल हाइजीनिक जगह पे खाए। इसके अलावा अपने खुद के हाथ भी रेगुलरली धोए। साबुन और एंटीसेप्टिक से अपने हाथ धोना, खासकर खाना खाने के पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करना एक अच्छी हैबिट होता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन की अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही हो तो एसिड सिक्रीटिंग फूड्स को पूरी तरह से अवॉइड करें। एसिड सिक्रीटिंग फूड्स जैसे कि कॉफी, ब्लैक टी, कोलास, पेपर यानी कि मिरी, प्रोसेस्ड मीट, फैटी फूड, इन सब फूड्स को ट्रीटमेंट के दौरान अवॉइड करें। अगर आपको मीट खाना है तो व्हाइट मीट खाएं।
फिशेस खाएं, प्रोबायोटिक्स का कंजम्पशन ज्यादा रखें, ब्रोकली कॉलीफ्लावर जैसी सब्जियों में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, इसीलिए ट्रीटमेंट के दौरान ब्रोकली और कॉलीफ्लावर खाएं। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अगर आपको एसिडिटी और एच पाइलोरी इन्फेक्शन की टेस्ट करवानी हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक सेंटर में करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छे ऑथेंटिक सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।